अगर दोस्तों आप सिटी यू में कंडक्टर की नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कंडक्टर की जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्वालिफिकेशन हमारी क्या मांगी जाती है और इस जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो इन सभी बातों पर स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक सही से पहुंच पाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिटीयू में कंडक्टर की जॉब पाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर लाइसेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ में आई बटन पर क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अप्लाई करते हैं उस समय कंडक्टर लाइसेंस की फोटोकॉपी और साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी है जो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट। तो दोस्तों कंडक्टर की जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज जो मांगी जाती है 18 से 37 साल है जो आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है कंडक्टर की जॉब को ज्वाइन करने के लिए, तो दोस्तों आप 10th या फिर 12th क्लास पास होने चाहिए तो आप कंडक्टर की इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कंडक्टर की जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और साथ में क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। और उसके बाद बात आती है जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कंडक्टर्स की जॉब के बारे में। तो दोस्तों जब भी सीटीयू डिपार्टमेंट को नए कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है तो इसके लिए वो अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर है जो नोटिफिकेशन देते हैं, जैसे कि सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है chdcdu.gov.in, और साथ में न्यूज़पेपर पे भी आपको नोटिफिकेशन उस समय मिल जाता है जब सीटीयू डिपार्टमेंट में नए कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। और दोस्तों आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने ये ओल्ड कंडक्टर्स की नोटिफिकेशन को है यहाँ पर निकाला हुआ है, जब उनको कंडक्टर्स की ज़रूरत थी उस समय का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 93+16=109 टोटल पोस्टिंग है जो उस समय निकली थी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन है जो रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर तारीख है जो बताई जाती है किस तारीख को ये नोटिफिकेशन निकलता है और लास्ट डेट क्या रहती है, और साथ में टेबल भी है जो हमको दिया जाता है जिसमें समझाया जाता है कैटेगरी वाइज है जो इन जॉब्स को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जर्नल, शेड्यूल कास्ट, OBC। और उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद आगे बात आती है हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है चंडीगढ़, मैं आपको रूम नंबर भी बता देता हूँ, रूम नंबर 58 सेक्टर 17 ISBT बस स्टैंड, जहाँ पर रूम नंबर 58 में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। यहाँ पर तारीख है जो आपको बताई जाती है जिस तारीख को आपने सबमिट करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपने साथ में ले लेनी है और रूम नंबर 58 में जाकर आपने सबमिट करवा देना है। तो ये है प्रोसेस किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने के बाद आगे प्रोसेस रहता है एग्ज़ाम फीस, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नोटिफाइड है जो किया जाता है और वहाँ से आपको चलान स्लिप है जो डाउनलोड करनी होती है और उस स्लिप को लेकर आपको बैंक में जाना पड़ता है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम फीस है जो भरनी पड़ती है। और एग्ज़ाम फीस भर हो जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में आपको बताया जाता है आपकी एग्ज़ाम डेट कब है और साथ में आपका एडमिट कार्ड भी है जो उसी वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करना होता है। और दोस्तों सीटीयू एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और साथ में सीटीयू एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहता है उस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस है जो बना दी है, अगर आपने उन सभी वीडियोस को देखा तो आपको उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, और वहाँ जाकर सीटीयू कंडक्टर की हर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख सकते हैं और सीटीयू कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करूँगा अभी आपको पता चल गया होगा सीटीयू में कंडक्टर की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आगे इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको साथ ही साथ मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।